ये पहला विकेट गिरा है। नीतीश जी, आपके बहुत सारे और विकेट गिरने वाले हैं, और आपसे सवाल है कि आपने इतना देर क्यों किया उनका इस्तीफा देने में? जिस दिन ये बातें आई थी, आपकी वो हिम्मत कहां चली गई? क्योंकि जिनके साथ आप खड़े हैं वहां पर तो बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके खम्भे अपराध भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, और इसी के बिना पर आप सुशासन देने वाले हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका खारिज होने के बाद लगातार भाजपा नेताओं के द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस उन्हें कब गिरफ्तार करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है और उन्होंने कार्तिकेय सिंह के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए पहले आप। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने बिहार के पूर्व कानून मंत्री आरजेडी के नेता कार्तिक कुमार जी की बेल को रिजेक्ट कर दिया है। ज्ञात होगा कि तथ्यों को छुपाकर 1 सितंबर के लिए अंतरिम बेल लिया गया था एक अपहरण के मामले में, जिसमें वो आरोपित थे। 5 साल पहले फरवरी 2017 में हाईकोर्ट ने उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया था, उनको सरेंडर करने को कहा था, और जब मंत्री बनना हुआ तो सब चीजों को छुपाकर वो दानापुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से एक आदेश ले आए। हम लोगों ने पार्टी की ओर से बहुत गंभीरता से कहा था कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज क्या हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर दोबारा एंटिसिपेटरी बेल, अंतरिम बेल दे सकता है? आज मुझे संतोष है कि जब सुनवाई हुई तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट दानापुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, और मुझे इस बात का स्पष्ट संभावना लगती है कि हाईकोर्ट के 5 साल पहले रिजेक्शन के आदेश को छुपाकर यह आदेश दानापुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट से लिया गया था। अब वो सरेंडर करें, उनको जेल जाना चाहिए, न्याय प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन ये पहला विकेट गिरा है। नीतीश जी, आपके बहुत सारे और विकेट गिरने वाले हैं, और आपसे सवाल है कि आपने इतना देर क्यों किया उनका इस्तीफा देने में? जिस दिन ये बातें आई थी, आपकी वो हिम्मत कहां चली गई? क्योंकि जिनके साथ आप खड़े हैं वहां पर तो बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके खम्भे अपराध भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, और इसी के बिना पर आप सुशासन देने वाले हैं? बिहार की जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, और इस अवसरवादी स्वार्थी गठबंधन को जरूर परास्त करेंगे। तो आपने रविशंकर प्रसाद को सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कार्तिकेय सिंह के ऊपर सवाल खड़े किए, साथ ही साथ ये भी कहा कि जिन लोगों पर अपहरण का केस है उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। अब तो कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है, उनकी गिरफ्तारी कब होती है अब देखना होगा। रविशंकर प्रसाद के इस बयान के बाद देखना है कि राजद के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आती है। आप बने रहे NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।